नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तरी कश्मीर के हंडवाड़ा के खान मोहल्ला शाहलाल गांव में एक गौशाला में भीषण आग लगने के बाद सेना की चार पार्टियों द्वारा फायर ब्रिगेड के साथ स्पॉट पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग की लपटों को और अधिक फैलने के लिए रोका। जम्मू में स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल एसोसिएशन 26/11 के शहीदों को डोगरा शौर्य अस्पताल द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उपमहापौर श्रीनगर परवेज कादरी को उनके समर्थकों के साथ एसएमसी के बीच मेयर चुनाव से बाहर कर दिया गया। गुरु नानक देव जी महाराज के 500वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर टैलेंटर रिटायर फोरम जम्मू कश्मीर द्वारा गुरु नानक हाई स्कूल टिंडे कला सिंबल मोड में एक दिवसीय भावभूषी कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू श्री शिव कुमार शर्मा ने आज गुर्जर नगर का दौरा किया और श्री अग्रवाल, श्री आयोग मलिक और मोहल्ला वेलफेयर समिति गुर्जर नगर सहित प्रमुख नागरिकों के साथ एक बैठक बुलाई। जम्मू में पीडीपी इंजीनियरों के कर्मचारियों द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। ब्लॉक छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने वीरवार को अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करवाया। गुरुवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके ओवन में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 2 सैनिक हुए शहीद। मुंबई में 26/11 के भयानक आतंकी हमले के 12 साल बाद जिसमें सुरक्षा कर्मियों और नागरिक और होटल स्टाफ की जाने गई थी, श्रीनगर में उनकी याद में होर्डिंग्स लगाए गए। 3 हफ्ते पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए आदमी के परिवार के लोगों ने जम्मू में वाल्मीकि चौक में शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इसी तरह देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।